Let's start question number first of exercise 6.1, that is integer. Question number first is write opposite of the following. हमें इनके opposite लिखने हैं. तो first part है हमारा increase in weight. First part लिख लेते हैं अपना increase in weight. और हमें इसका opposite लिखना है. तो opposite किस word का लिखना होगा? Obviously increase का opposite लिखना होगा. और increase का opposite क्या होता है? Decrease. तो ये क्या आ जाएगा? Decrease in weight. Opposite आ गया. Right. अब next है हमारा 30 किलोमीटर north. तो B part लिख लेते हैं. 30 किलोमीटर north. North. तो देखिए अब किसका opposite लिखना होगा? Obviously north का. तो 30 किलोमीटर तो as it is. और अगर हमने directions पढ़ी हैं तो देखिए east, west, north. North का opposite क्या होता है? South. तो 30 किलोमीटर south आ जाएगा opposite north का. Let's do third part now. C है हमारा 80 meter east. तो देखिए अभी हमने पढ़ा जो हमारी directions होती हैं east के opposite कौन सी direction होती है? West. तो 80 meter west. अब D part कर लेते हैं. D part है हमारा loss of rupees 700. तो किसका opposite देखेंगे? Loss का. Loss का opposite या तो profit होता है और profit को हम gain भी कहते हैं. तो प्रॉफिट लिखिए या गेन लिखिए, बात एक ही है. तो प्रॉफिट ऑफ रुपीस 700 कहें या गेन ऑफ रुपीस 700 कहें, आंसर सेम है. लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ. ई पार्ट इज 100 मीटर अबव सी लेवल. तो अब किसका ऑपोजिट लिखना है? अबव का ऑपोजिट. तो 100 मीटर तो एज इट इज. Above का opposite होता है below. Below sea level is the answer. Let's do question number. Question number 2 is represent the following number as integer with appropriate sign. हमें इन सब को integers की form में represent करना है. Integers मैं एक बार और बता देती हूँ. आपने intro नहीं देखा. Integers होती हैं minus और plus की वैल्यू में रिप्रेजेंट करना. लाइक मैंने कहा इंक्रीज इन 20 किलोमीटर. तो हमें इंक्रीज का मतलब प्लस होता है और 20. तो डिजिट से पहले कोई भी साइन लगाना है, प्लस या माइनस, दैट डिपेंड्स कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है. तो देखिए कैसे करेंगे. ए पार्ट अगर देखें तो वो कह रहा है एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग. एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है एट अ हाइट 2000 मीटर अबव द ग्राउंड. अबव द ग्राउंड एक एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है कितनी हाइट पे? 2000 मीटर ऊपर ग्राउंड के. अबव द ग्राउंड पे, राइट. तो देखिए अब ये ग्राउंड है, इसके अबव की बात कर रहा है तो प्लस की वैल्यू होगी, और बिलो द ग्राउंड की बात कर रहा है तो माइनस वैल्यू होगी. ये हमेशा याद रखिएगा. तो ए पार्ट में अबव द ग्राउंड कह रहा है. देखिए यहाँ पे मार्क कर देती हूँ मैं. ये देखिए अबव द ग्राउंड कह रहा है. तो दैट मीन्स हमारी कौन सी वैल्यू होगी? प्लस की वैल्यू होगी. लेकिन प्लस का क्या आएगा? क्योंकि फिगर हमारी कितनी है? 2000 मीटर. तो प्लस का 2000 मीटर आ जाएगा, राइट. अब सेकेंड पार्ट देखिए. सेकेंड पार्ट में कह रहा है अ सबमरीन इज मूविंग एट अ डेप्थ. सबमरीन डेप्थ में मूव करिए, नीचे मूव कर रही है 800 मीटर बिलो द सी लेवल. देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? बिलो द सी लेवल. बिलो का मतलब अभी अभी हमने देखा, बिलो का मतलब माइनस. तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? बी में माइनस. लेकिन कितना आएगा माइनस? तो फिगर देखिए 800 मीटर. तो 800 मीटर आ जाएगा, राइट. अब थर्ड पॉइंट देखिए. अ डिपॉजिट ऑफ रुपीज 200. डिपॉजिट का मतलब होता है, देखिए अगर मेरा एक अकाउंट है और मैं उसमें पैसे, मेरा ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है, अभी ज़ीरो रुपीज़ हैं इसमें, और मैंने 200
200 rupees जमा कराए हैं इस अकाउंट में, तो मेरे अकाउंट का बैलेंस अब कितना हो जाएगा? 200 rupees जमा कराए हैं तो मेरे अकाउंट का बैलेंस अब 200 rupees हो जाएगा, तो 0 से 200 हो गया, तो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? तो डिपॉजिट इंक्रीज हुआ, तो डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, प्लस हो गया, तो हमारा प्लस हो गए 200 rupees। लेकिन अगर इसका ऑपोजिट होता विड्रॉल, तो वो क्या हो जाता, माइनस हो जाते, जैसा कि हमारे डी पार्ट में दिया हुआ है, विड्रॉल ऑफ ₹700। विड्रॉल मीन्स निकाल लिए, मान लीजिए मेरे अकाउंट में 1000 rupees थे और इसमें से मैंने 700 rupees निकाल लिए, तो अब 300 ही रुपये बचेंगे मेरे अकाउंट में। फिर से बता रही हूँ, 1000 rupees थे, मैंने उसमें से 700 rupees निकाल के खर्च कर दिए, तो कितने बचे होंगे, 300। तो 1000 से 300 क्या हो गए, कम हो गए, तो इसका मतलब विड्रॉल का मतलब क्या हो गया, माइनस हो गए, तो माइनस 700 इज द आंसर।